हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आई रियली होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनको भी इसका इसके बारे में पता चल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। एक छोटू सा बेल आइकन आएगा जिसको आपको हिट करना है, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए। आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, स्क्रीन पे मेंशन है, देख लीजिए। तो चलिए गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एज इट इज का सोया प्रोटीन आइसोलेट के बारे में, जो कि खास तौर पे फूड सप्लीमेंट के लिए तैयार किया गया है। और गाइस, इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये नेट 1000 ग्राम का पैकेट है पूरा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये मुझे रिसीव हुआ है। और गाइस, ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, इसे आप एक्सरसाइज से पहले या बाद में ले सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसे आप अपने खाने के लिए आटे में, या फिर डोसा बैटर में, इडली बैटर में, मफिन्स में, बाफले में, और पैनकेक में, तो बहुत सारे जो भी कोई बैटर आप बनाना चाहते हैं और उसके साथ में आप इसको ऐड करके अपने खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, इस सोया प्रोटीन को मैं कैसे यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए एक रेसिपी आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। और बेसन ऐड करने के बाद इसमें मैं, आप देख सकते हैं जो स्कूप मिला हुआ है वो हमको इसी पैकेट के साथ मिला है, तो मैंने 1 स्कूप इसमें सोया प्रोटीन ऐड कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। तो ये सारे मसाले इसमें पड़ेंगे। अभी यहाँ पे कुछ मैं बेजेस ले रही हूँ, आप इसमें और भी बहुत सारी बेजेस ले सकते हैं, जैसे गाजर हो गई या फिर शिमला मिर्ची वगैरह जो भी कुछ हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, धनिया और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है, बस पानी के हेल्प से आपको इसका एक बैटर बना के तैयार करना है। जैसे हम चीले का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लम्ब्स फ्री ये बैटर बना के तैयार कर लीजिए। और चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना के ऐसे ही तैयार कर सकते हैं, बहुत हेल्दी है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है यहाँ पे मुझे, जल्दी जल्दी में अपना नॉनस्टिक तवा नहीं मिल रहा था तो मैंने कढ़ाई का यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ऑयल लगाया है। उसके बाद यहाँ पे आप ये चीला जो है इसको फैला देंगे। तो बस छोटे छोटे चीले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटे पतले नहीं। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे, जिससे अच्छे से स्टीम से ये अंदर तक पक जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको पलट दिया है और थोड़ा सा ऑयल का यूज़ किया है, ऑयल, घी, जो भी कुछ आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। बस इसको अच्छे से पलट पलट के हम सेक लेंगे और इसी तरीके से हमारा जो बेसन का चीला है वो बनके तैयार हो जाएगा। आप हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं, है ना, हेल्दी नाश्ता। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें, या फिर जब भी आप चपाती बना रहे हैं तो चपाती में भी आप ऐसे ही 1 स्कूप इसमें ऐड कर लीजिएगा आटे के साथ में, तो आप इसकी चपातियाँ भी बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी है। और गाइस, अगर आप इस तरीके से लेना नहीं चाहते हैं किसी भी बैटर के साथ में, तो आप सिंपली एक्सरसाइज के बाद या पहले आप इसे वाटर में या फिर मिल्क में ऐड करके भी इसको ले सकते हैं। और इसमें आपको एक स्पून भी मिल जाएगा, तो आपको एक बार में 30 ग्राम ही यूज करना है स्पून के हेल्प से। तो गाइस, सोया प्रोटीन आइसोलेट अमीनो एसिड का एक समृद्ध स्रोत है, इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। इसका प्रत्येक सर्विंग 27 ग्राम प्रोटीन देता है। गाइस, ये प्योरिटी के लिए लैब टेस्टेड है, साथ ही हैवी मेटल से फ्री है। गाइस, इसमें प्रत्येक 30 ग्राम सर्विंग में टोटल फैट 1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 1 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 ग्राम, प्रोटीन 27 ग्राम, फॉस्फोरस 73 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 22 मिलीग्राम, सोडियम
178 मिलीग्राम और पोटेशियम 58 मिलीग्राम, कैल्शियम 258 मिलीग्राम शामिल है। और गाइज इसमें कोई भी एडिटिव्स, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। गाइज इसमें प्योर एंड प्लांट सोर्स 90% प्रोटीन है और ये GMP एंड FSSAI द्वारा सर्टिफाइड है। और गाइज इसे वेट मैनेजमेंट करने वाले लोग और एथलीट्स एंड जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन यूट्यूबर शौनांजलि को। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कीजिए, बाय कीजिए। और जैसे कि मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ, कोई भी फूड सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले एक बार। तो चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।